हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव एस्पेक्ट्स। मैं आपका फ्रैंक मिश्रा और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए रॉयल इनफील्ड की तरफ से एक न्यूली लॉन्च बाइक जो कि आज ही लॉन्च हुई है, गोवान 350 क्लासिक, जो कि क्लासिक 350 पे ही पूरा बेस्ड रखा गया है। यहाँ पे ये रॉयल इनफील्ड की सबसे फर्स्ट बॉबर मोटरसाइकिल होने वाली है। एक शोरूम प्राइस की बात करेंगे तो एक शोरूम ये वाला वेरियंट आपको जो रेव रेड है ये आपको कॉस्ट करेगा लखनऊ में ओनली फॉर 2.38 लैक्स। तो सारी चीज़ें बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, आज आपको डिटेल रिव्यू दूंगा। तो अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा इस तो पक्का लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस दिखाना स्टार्ट करूं आपको सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से, तो आप फ्रंट से देख सकते हैं क्या ही शानदार देखने को लगती है इस गाड़ी में। अब आपको सब कुछ यहाँ पे LED बेस्ड ही सेटअप मिलने वाला है, जो आपको हेडलैम्प है जैसे आपने रॉयल इनफील्ड की सारी बाइक्स में देखी होगी वही वाला आपको LED बेस्ड हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। LED के यहाँ पे आपको दो ऐसे कुछ DRS देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको LED के ही ऐसे कुछ इंडिकेटर्स भी इस गाड़ी में ऑफर कर दिए जाते हैं। फ्रंट के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 41mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, पूरा आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक का यूज किया गया है, काफी शानदार लग रहा है। बाकी यहाँ पे जो आपको पूरा मडगार्ड है ये भी पूरा आपको मेटल का देखने को मिलने वाला है भाई, आपको रेव रेड और आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक के यूज में पूरा यहाँ पे आपको ग्लिटर्स भी देखने को मिलेगा, काफी प्रीमियम लग रहा है। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट की व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको 19 इंचेस के ऐसे कुछ स्पोक व्हील्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं कि अब यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर भी मिल जाता है, जिसके यहाँ पे आपको टायर सेक्शन की बात करें तो आपको 190/19 का टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आ जाती है। फ्रंट के डिस्क की बात करेंगे यहाँ पे तो आपको 300mm का फ्रंट का डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बाइब्रेक के कैलिपर्स ऐसे कुछ ऑफर कर दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको टैंक दिखाऊं गाड़ी का, तो यहाँ पे आपको 13.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है गाड़ी में, काफी अच्छा टैंक कैपेसिटी है। यहाँ भी आपको वही रेव रेड और आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक का यूज मिलेगा। आरी की बैजिंग आपको ऐसा कुछ सन के शेप में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, काफी प्रीमियम सी। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका आपको 350cc का J सीरीज का इंजन मिल जाएगा, वही जो आपको क्लासिक 350 में आता है वही वाला, जो कि यहाँ पे 20.2 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा ग्लॉसी ब्लैक में ही आपको इंजन में देखने को मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है आपका लेग गार्ड वाला, ये आपको एसेसरीज का पार्ट है, ये आपको कंपनी की तरफ से नहीं आता है। साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे सम गार्ड, तो ये वाला भी आपको एसेसरीज का पार्ट है जो यहाँ पे लगा हुआ है। जो जो चीज़ें एसेसरीज की है वो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी एग्जॉस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरा ब्लैकआउट ऐसा कुछ एग्जॉस्ट मिल जाएगा, काफी शानदार सा। फुटरेस्ट पे देखेंगे तो आपको आरी की बैजिंग सारे फुटरेस्ट पे देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको ब्रेक्स भी यहाँ पे आपको पूरा ब्लैकआउट देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक का यूज मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे आपको गोवान क्लासिक 350 की ऐसी कुछ स्टिकरिंग मिल जाएगी जो कि काफी शानदार लग रही है। सो गाइस एक बार आप साइड से देख लीजिए गाड़ी, साइड से क्या ही शानदार देखने को लग रही है गाड़ी यार। यहाँ पे सिटिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंगल सीट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बताया आपको ये बॉबर बाइक है। और सीट हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी में सीट हाइट 750mm मिल जाता है, जो कि क्लासिक 350 से 55mm नीचे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सिटिंग की कुशन एंड ऑल की बात करेंगे तो काफी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पिलियन सीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपको एसेसरीज का पार्ट मिल जाएगा, जो कि काफी आराम से लग जाएगा, अगर किसी को लगवाना हो तो वो आरी से लगवा भी सकता है। बाकी यहाँ पे एक बार आपको बैक प्रोफाइल दिखाऊं गाड़ी की, तो आप बैक से भी देख सकते हैं यार क्या ही शानदार लग रही है गाड़ी। यहाँ पे आपको पूरा मेटल में ही मडगार्ड पीछे का भी मिलने वाला है, पूरा वही आपको रेव रेड और ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश में। यहाँ पे आपको आरी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, ट्विन शॉक सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको पूरा क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको बता दूं पीछे के टायर सेक्शन के बारे में, तो पीछे का जो आपको स्पोक व्हील है वो आपको 16 इंचेस का मिलेगा, आपको बताया था आगे आपको 19 इंचेस के मिलते हैं, यहाँ पे आपको पीछे 16 इंचेस के ही स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। जिसके टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 130/90/16 का टायर सेक्शन देखने को मिल जाएगा। और पीछे के डिस्क ब्रेक्स की बात करेंगे तो पीछे का डिस्क ब्रेक्स आपको 270mm का मिल जाएगा, और पीछे भी यहाँ पे आपको बाइब्रेक ऐसे कुछ कैलिपर्स ऑफर कर दिए जाते हैं। बाकी एक बार आपको पूरा बैक प्रोफाइल दिखाऊं गाड़ी की, तो यहाँ से भी आप देखते हैं क्या ही शानदार लगती है गाड़ी देखने में। पीछे भी यहाँ पे आपको LED के ही ऐसे कुछ टेल लैंप्स मिल जाएंगे, LED बेस्ड ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाता है, नंबर प्लेट लाइट भी यहाँ पे आपको LED में मिलता है, साथ साथ आप रिफ्लेक्टर्स देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी एक बार आपको इस साइड से भी पूरा लुक चेकआउट करा दूं गाड़ी की, तो आप पूरा साइड से देख सकते हैं यार क्या ही शानदार देखने को लग रही है गाड़ी। यहाँ पे आपको इसका साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा, पूरा ब्लैकआउट, आरी की बैजिंग आपको सारे फुटरेस्ट पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे भी आपको गोवान क्लासिक 350 की ऐसे कुछ स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ से भी आप देखेंगे तो इंजन आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसका आपको
फाइव स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंगल के साथ साथ आपको डबल स्टैंड भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बाकी यार एक बार आपको बैठ के दिखाऊं गाड़ी पे। तो गाइस एक बार आपको बैठ के दिखा दूं गाड़ी पे कि कैसा लगने वाला है, गाड़ी सेटिंग कैसी रहने वाली है। तो आपको बता दूं मेरी हाइट 5'6" है, तो यहाँ पे मेरे हाइट के अकॉर्डिंग यार जैसे मेरी हाइट छोटी है तो बॉबर बाइक्स काफी कंफर्टेबल रहने वाले हैं, दोनों पाँव मेरे आराम से नीचे हो जा रहे हैं, तो यार मेरे हाइट के बंदों के लिए काफी आराम से चलाने में रहेगी ये बाइक। बाकी हैंडल की बात करेंगे तो हैंडल की पोजीशन ना नॉर्मल वाले क्लासिक 350 से थोड़ा ऊंचा देखने को मिलता है, तो कंफर्ट एंड ऑल में हैंडल्स के कोई इशू नहीं आने वाला है, यहाँ पे काफी अच्छा कंफर्ट रहने वाला है। बाकी एक बार यहाँ से आपको टैंक व्यू दिखा दूं गाड़ी का, तो यार यहाँ से आप देखेंगे क्या ही प्रीमियम सा आपको टैंक व्यू देखने को मिलता है, वही आपको रेव रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में क्रोम में यहाँ पे आपको टैंक ओपनर ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको आरी की बैजिंग ऐसी कुछ मिल जाएगी और पूरा क्रोम फिनिश में आपको हैंडल्स भी देखने को मिलता है, और इग्निशन यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं गाड़ी का जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, तो स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको पूरा एनालॉग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बीच में आज आपको स्क्रीन मिलेगा, इसमें आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, फ्यूल कैपेसिटी कितनी चली है गाड़ी ये सब दिखा दी जाएगी, और बाकी आपको यहाँ पे नेविगेशन वाला देखने को मिल जाएगा। ये सब चीज़ें यार जब आप ट्रिप एंड ऑल पे जा रहे हो तो यहाँ से आप मैप एंड ऑल लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम आता है। बाकी यहाँ पे आपको फ्रंट के ब्रेक ऑयल्स देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के, इंजन किल स्विच आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप हजार्ड लैंप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, पासिंग के, हाई बीम लो बीम करने के, यहाँ से आपको इंडिकेटर कंट्रोल करने का बटन मिल जाता है, और यहाँ से एक बार आपको हॉर्न सुना दूं गाड़ी का तो हॉर्न भी यहाँ पे आपको काफी शानदार देखने को मिलता है गाड़ी में। ORVM के साइजेस की बात करेंगे तो ये भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ से आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे जो ब्रेक्स और क्लच हैं ये दोनों आपको एडजस्टेबल इस वाले गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। तो यार यही था रॉयल एनफील्ड की गोवान 350 क्लासिक का रिव्यू मेरे साइड से, जो कि मुझे काफी ज्यादा शानदार लगी। यार बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो ये वाला जो आपको रेव रेड वेरिएंट है ये आपको एक शोरूम कॉस्ट करता है लखनऊ में ओनली फॉर 2.38 लाख, और ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो ऑन रोड ये गाड़ी आपको मिल जाएगी लखनऊ में 2.70 लाख में, यार जो कि काफी अमेजिंग प्राइस लगी, काफी शानदार लगी मुझे गाड़ी यार पर्सनली बताऊं तो। बाकी आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी गाड़ी और ये रिव्यू, और वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।